उस पैड को अटैच कर देंगे, AED पैड को। उसके बाद उसे हम एम्बुलेंस के साथ भेजेंगे, और अगर नहीं है तो हम उसे वेंटी में डाल सकते हैं, वेंटी में डाल के फिर भेज सकते हैं। थैंक यू दामिनी। और है कि हम हार्ट को पंप करें, क्योंकि हमारी जो पंपिंग स्टेशन है वो हार्ट है, तो इसीलिए अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो वो सडनली यू स्टार्ट द पंप, मतलब कंप्रेशन, और कंप्रेशन देने के बाद जब 30 कंप्रेशन आप दे लेते हैं तब उसके बाद आप एयरवे को चेक करते हैं। मतलब ये देखा गया है कि ब्रेन को ब्लड पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि एवरी मिनट 10% ब्रेन डेड हो जाता है अगर उसको ऑक्सीजन नहीं। मैं डॉक्टर सुजीत सिंह, प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन यूपी चैप्टर। आज सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन यूपी चैप्टर और साधा नायक हॉस्पिटल और अलर्ट संस्था द्वारा ये PLS ट्रेनिंग प्रोग्राम ये का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे साधा नारायण हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। और इसके पीछे हम लोग का मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, चाहे रोड साइड हो जाए, चाहे घर में हो जाए, चाहे किसी भी जगह हो जाए, तो एटलीस्ट लोगों को इसकी ट्रेनिंग हो कि उस समय क्या करना चाहिए और कैसे CPR देके उसकी जान बचाने में हमें मदद करनी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है, और इसमें हम लोग का टारगेट ये है कि हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को हम लोग CPR की ट्रेनिंग दें, और जिससे कि वो परिवार में और साथ में वो व्यक्ति कहीं भी रोड साइड में हो तो लोगों की जान बचाने में, या किसी को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है तो उसमें जान बचाने में उसकी सहयोग और हेल्प कर सके। आज के सेमिनार में ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये किन लोगों की भीड़ है, कौन लोग हैं? जो आज की सेमिनार हुआ है उसमें हमारी अलर्ट संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उसकी जो रेखा श्री कुमार जी आई हुई हैं हमारे बीच में है, ये आप साउथ से चल के यहाँ पे आई हैं और ये डिफरेंट जगहों पे जाके CPR और PLS ट्रेनिंग का ट्रेनिंग देती है, और इनको बहुत बहुत हम साधा नारायण हॉस्पिटल की तरफ से, अपने सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कह रहे हैं कि आपने इतना टाइम दिया और लोगों को किया, और हमारी सोसाइटी हमेशा ऐसे काम करने के लिए, सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन इंडिया ऐसे PLS और CPR ट्रेनिंग का वर्ल्ड पूरे इंडिया में ये पूरा प्रोग्राम चला रही है, और जिसमें कि हम लोग का मकसद ये है कि हर PSC CSC पे भी जाके हम वहाँ के जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दें, ताकि कभी कुछ ऐसी घटना दुर्घटना डिजास्टर कुछ भी होता है तो उसमें हम लोग उनकी मदद कर सकें। So our main aim is to train common man in first aid and emergency response. As the doctor said, we need to train one person in a family in first aid so that we can save more lives. We are losing many lives in India every 4 minutes, and then most of it happens because nobody is there to take care of them when there is a road traffic accident. Nobody saves a person's life. We'll just stand and watch them taking videos and photos and nobody calls for an ambulance or tries to help a person who we don't. This training, so, any person? Yes, anybody can get trained in first aid and basic life support. Anybody can do first aid. Anybody can learn and do how to do CPR from 6th standard students until 100 years old person. You needn't be a doctor to know this or to do CPR. So please get trained and then save more lives. Thank you.